तो चलिए देखते हैं जो आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज है। स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया है कि फिलीपींस बन गया है एशिया का पहला कंट्री टू रेटिफाई इट्स कन्वेंशन नंबर 190 जो बात करता है टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। टॉकिंग अबाउट ILO, इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड कॉमनवेल्थ को बताना है व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लेबर डे। एंड फिलीपींस की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल सिटी है मनीला एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी फिलीपींस में ही लोकेटेड है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड बैंक ऑफ महाराष्ट्र MD AS राजीव एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। टॉकिंग अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सांतानाम कमिटी एंड बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 2003। और नेक्स्ट न्यूज इज दैट DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल सेट टू टेस्ट द दुर्गा 2 which stands for directionally unrestricted ray gun array. It is an indigenously made यानी स्वदेशी तौर से निर्मित एक लेजर वेपन सिस्टम है जहाँ पर लेजर को यूज किया जाएगा एज अ वेपन। द नेक्स्ट न्यूज इज दैट IIT गुवाहाटी लॉन्च्ड द इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट न्यूज फॉर द डे इज दैट श्रीलंका इज ऑल सेट टू होस्ट 5th edition of गीता महोत्सव।